हेलो, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। सभी को कैसे हो? तो भाई टाइम हो गया है, 4 बजे हैं। मुझे जाना है RCA वापस, और उठते हैं अभी। शायद बाहर बारिश हो रही है, दिखाता हूँ आपको। और बताओ आप लोग कैसे हो? 4 बज गए यार, पता नहीं लगा थी 4 बजे। अब सो रहा था यार मैं। उठता हूँ मैं, कितना साइलेंस है देखो। बस वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज़ आ रही होगी। हेलो दोस्तों, तो आज है सोमवार। मम्मी कह रही है वही नहाओ धो जल्दी जल्दी, मंदिर में जल चढ़ा के आओ, माथा टेको। करते हैं तो मैं भी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, जल्दी मंदिर जाके फिर जाते हैं। पापा ने भी जॉब पे जाना है, सो मैंने भी जॉब पे जाना है। हमें 3 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, तो चलते हैं। जय शंकर। तो भाई मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी, तो अभी चलते हैं मंदिर में। जुकाम आया हुआ है यार, मतलब ये वाला नाक बंद हो गया है। चलता हूँ अभी मंदिर में जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है अभी बहुत। मिलते हैं आपको बाद में। देखो कितनी रात है, हम चलते हैं भोले बाबा के। जय हो शिव शंकर, हर हर महादेव। चलते हैं अभी, टाइम हो गया है 4:47। गाड़ी कर ली है स्टार्ट, मम्मी तो दोबारा से आएंगे, फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगा अपना घर जब थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा अंदर से। तो अभी चलते हैं। अम्मा खेला दे अपा दोबारा मिलेगी मम्मी को। तो चलते हैं। तो भैया हम पहुंच गए हैं डैम पे, पापा करवाने गए एंट्री। टाइम देख लो कितना हुआ है, 5:49। तो अगले 2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे RCF। तो भाई सीट बेल्ट लगा के रखा करो, ठीक है? और बताओ कैसे हो सभी, ठीक हो, खुश हो? खुश लाग रहे जैसे मैं रहता हूँ खुश, ठीक है? मतलब दिल से खुश रहना है। हाँ इसी साइड होते हैं, दिल से खुश रहना, ठीक है? क्या ही बोलूँ मैं, और बताओ। चलो चलता हूँ मैं, पापा ने करवा लिया एंट्री। जय शंकर। अपनी
चल चल अच्छा यार सेंसर आ रही तो भी आ रहा हूं करतारपुर फाटक लगा हुआ है। टाइम हो गया 7:30। इधर जाते हैं अमृतसर को। हम लोग पहुंच गए हैं RCF। अभी हुए हैं 7:59 और हम लगाएंगे अभी पार्क पार्क पार्क। पापा जाएंगे ड्यूटी। अब चलते हैं पार्क करते हैं इसको, अपने छोटे को मिलते हैं बाद में। जय शंकर। तो भैया फ्रेश फ्रुश होके लेट गए हैं और मेरी आँखें ना बंद हो रही हैं, और मतलब सुबह मॉर्निंग का 4 बजे से पहले उठ गया, 4 बजे उठ गया था मेरे ख्याल से पूरे, है ना। तो थोड़ी देर सो लेता हूँ मैं, मतलब ऊपर से जुकाम भी है मेरे को। तो आप लोग बताओ क्या कर रहे हो सभी, बिग बॉस देख रहे हो? मैं बिग बॉस ऑन करूँगा और देखते देखते सो जाऊँगा अभी। जय शंकर, हर हर महादेव, कीप स्माइल सभी, और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई, फैला दो जितना फैला सकते हो, जितना फैला सकते हो फैला दो। तो आपने मेरी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम चैनल पे, तो भैया फॉलो करो सभी, शेयर को जितना शेयर कर सकते हो। ऐसी मतलब आप लोगों को ऐसी रील्स और मिलेंगी। सो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, डू कमेंट्स यार, एटलीस्ट मेरे को पता तो लगे कि चल क्या रहा है भाई आप लोगों के दिमाग में। मतलब गालियों के अलावा जो मर्ज़ी लिखो मैं सुनूँगा, ठीक है। गालियाँ पर्सनली में दे लो। तो अभी चलते हैं, मैं सोता हूँ थोड़ी देर यार, तो देखते हैं बिग बॉस देखते हैं पहले। तो भाई ये क्या हो रहा है बिग बॉस में? भाई अभी तक सोए हो ये सभी? उठ जाओ भाई। मेरे को भी नींद आ रही है वैसे तो। तो मैं भी सो जाता हूँ यार, मेरे को भी नींद आ रही है। बिग बॉस वाली भी सो रहे हैं यार, अभी तो उठे ही नहीं है ये बंदे।
में और दादा दादर में मालूम ना फादर में लाला उसमें कंपनी क्या आग खुली हम देखे दूर रहना वरना कहीं छोड़ जाएगी धंधे की क्या कंपनी है बेटी नहीं खोखा है प्यार एक धोखा है दिल लगा सही जगह एक और मौका है मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा वो नहीं करता है और वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है जब बदतमीजी पर उतर आता है तो किसकी बात कर रही हो खुद की बात कर रही हो नहीं सर मैं अभिषेक की बात कर रही हूं ओके ओके नेक्स्ट जिया आ जाओ मैं पहले हंस लो पता नहीं मनीषा को क्योंकि यही है जो डे वन से मेरे पीछे पड़ी है और फर्स्ट नॉमिनेशन से अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही तो अब शायद बारी है कि मैं इसके पीछे पड़ती हूँ पूजा जी आई थिंक मेरे पाथवे में किसी ने कांटे नहीं बिछाए हैं उन्होंने मुझे ज़्यादा ज़्यादा रिजिलियंट किया है मगर आई थिंक कि लास्ट दो हफ्ते से या शायद एक हफ्ते से जो मैं महसूस कर रही हूँ जो सिर्फ मेरे नहीं मगर सबके ट्रैक में कांटे बिछा रही है वो है मनीषा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनीषा वो एक ग्रुप को चलाती है और मैंने ये भी देखा है कि मनीषा के प्रेजेंस में अभिषेक बहुत ही अन अभिषेक लाइक रिस्पॉन्सेज देता है अकेले पर हुई जो घटना हुई उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मुजरिम एल्विश है पूजा अनडिनाइबली आई थिंक इस घर में ग्रुपिज्म बहुत ऑब्वियसली शुरू हुई है ऑफ लेट और आई थिंक एक ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड जो मुझे काफ़ी पवर्स लगती है वो है मनीषा की और आई थिंक एक टास्क दिया गया जहाँ पे मैं डायरेक्टर थी एंड आई हैड टू कास्ट पीपल मगर मनीषा आई और मनीषा खुद स्क्रिप्ट राइटर भी है डायलॉग राइटर भी है प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है डीओपी भी है कंटेंट मेकर भी है तो आई थिंक शी नोज इट ऑल एंड एक टाइम था जब मुझे उसकी मासूमियत बहुत पसंद थी मैंने उनको कहा एक दिन के जब आपकी मासूमियत चली जाएगी मनीषा दैट डे यूर ओवर करते दिल से करते हैं और हम नहीं करते हाँ तो गुनाह इनका ये है कि ये आपको समझ नहीं हाँ, इनका यही गुनाह है अच्छा अच्छा ओके 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 मतलब हम सब के ऊपर तुम ये कांटा ठोकोगी अच्छा आ जाओ बैठ आप सब पे ले सिर्फ पूजा दीदी पे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सर मेरी एफ आई आर है अविनाश के अगेंस्ट बहुत सिचुएशंस ऐसी हुई है जहाँ पर मेरे को पता चला कि ही इज़ बीन वेरी सेल्फिश घर में जैसे अभी बेबिका ने खाना बनाने से मना कर दिया था तो उनका ये मेरे को सुनने में आता है कि वो ये बेबिका को बोलते हैं तू खाना बना क्यों नहीं बनाती हमारे घर हमारे ग्रुप के लिए खाना बना ले जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी सेल्फिश चीज़ें कैसे कोई बोल देता है क्योंकि अब मैं भी जब बेबिका के पास गया कि भाई खाना बना दे घर के लिए तो मैंने उसको बोला कि अगर तेको हमारे लिए नहीं बनाना तो तू उनके लिए बना दे पर तू अपनी ड्यूटी वापसी ले ले तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत सारी चीज़ें लैक करते हैं मेच्योरिटी लैक करते हैं बहुत सिचुएशन में वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा किससे फायदा होगा किस चीज़ों से फायदा नहीं होगा फिर अब्सर्ड स्टेटमेंट्स पास करते हैं और मतलब वो दूसरों को लेजी बुलाते हैं पर वो खुद को नहीं देखते कि वो कितने ज़्यादा इनएक्टिव रहे हैं इस घर में तो मैं एफआईआर इनको करना चाहूँगा मेरा कोई सीरियस इल्ज़ाम नहीं है क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि मैं ही शायद मुजरिम हूँ पर मैं अपने आप को नहीं लगा सकता तो मेरा एक दूसरा इल्ज़ाम है मनीषा जी के ऊपर जो कि मेरा थोड़ा पर्सनल है कि जानबूझ के ये लोग मिलके मुझे छेड़ते हैं और एक इनके साथ कोई भी बातचीत करो घूम फिर के इनका एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेट है जो कि चुम्मा उसी पे सारी बात घूम फिर के आ जाती है तो कुछ भी बात मैं इनसे करता हूँ ये बात घुमा के कि चुम्मा चाटी ये सारी चीज़ों पे आ जाती है और प्लान करके मुझे छेड़ते भी हैं कल वॉशरूम में भी पकड़ लिया था मुझे तो ये इल्ज़ाम है कि ये सब मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो मेरा घर टूट जाएगा बाहर मेरा ये इल्ज़ाम है विजय और श्वेता आपने इनकी एफआईआर सुन और फिर फॉलोअर्स की बात होती है कि हमें तो सब कुछ पता है हमारे फॉलोअर्स हैं कितने फॉलोअर्स होंगे भाई बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो अगर अच्छा कंटेंट डालोगे अच्छी बातें करोगे मोटिवेशनल कॉमेडी फिटनेस क्रिंज कंटेंट करके फायदा क्या सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की हमारे सलमान खान भाई की तो भाई जिनकी सारी मूवी 200 300 400 करोड़ रुपए कमाती है जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने चूतिया खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है पर सल्लू भाई की मूवी है बहन चुपेसक 1000 रुपए की टिकट हो भाई की मूवी है देखनी है तो देखनी है ये जो आपको ज्वाइन करते हैं हां वो 1000 रुपए दे के ज्वाइन करते हैं आपके फ्री में फ्री में तो ये आपकी फैन आर्मी है एक काम कर लो हां ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना हाँ तो बोला कि जान मत देना भाई हाँ 500 रुपये मुझे फॉलो कर ले मुझे देखना है कि कितने लॉयलिस्ट हैं आपके क्या लगता है कितने लोग आएंगे हाँ जी भाई व्हाट्सअप कैसे हो जय श्री राम सबको तो भाई सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं मैं आपका ज़्यादा टाइम ही लूँगा फटाफट से इस वीडियो को एंड तक देखना है मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिंपल सी जो भी कल हुआ जो भी हुआ किसी ने क्या बोला किसी ने क्या सुना जो भी हुआ
मेरे को ये पता है कि हमारा भाई एलविश कहीं पे भी दिल से बुरा नहीं है, वो साफ है दिल का, ठीक है। और जो मेन एलविश आर्मी को बोली गई है कि वो देखो 500 रुपए वाली बात तो देखो मेरे को बुरी लगी, तुम मानो या मत मानो, आप किसी भी तरीके से ले लो। लोगों से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप 100 200 500 हज़ार 10,000 कितने का भी भला काम करो, स्टेशनरी से गरीब बच्चों को स्टेशनरी दिला दो, बुक्स दिला दो, पेंसिल दिला दो, या फिर खाना बांट दो 500 रुपए का, और उस चीज़ की रील या स्टोरी बनाओ और हमें टैग करो, हमारी टीम को टैग करो। मैं अलग से अर्जित तनु भाई, अज्जू भाई, विकास, कोई भी मतलब हमारी टीम का बंदा एलविश के अकाउंट को टैग करो, सबको टैग करो, हम रिपोस्ट करेंगे उस चीज़ को गाइस, ठीक है ना। एलविश आर्मी की पावर क्या है, जो बोला गया है ना कि फ्री के हैं भाई, पहली बात तो कोई भी बंदा किसी को ऐसे ही फॉलो नहीं करता, ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों से मैं बिल्कुल, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम कर दो और दिखा दो पावर, सिस्टम हैंग कर दो, एलविश आर्मी की पावर दिख जानी चाहिए। सारे मीम पेजेस वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके मीम्स एडिट कर करके अपने पेजों पर डालो भाई, ठीक है भाई। जय श्री राम। हेलो, तो दोस्तों कैसे हो सभी, तो मैं जा रहा हूँ पार्टी में, हम अपने घोड़े में जा रहे हैं, पापा को छोड़ आया हूँ और अपने फ्रेंड को लेने आया हूँ। क्या ओ तेरी नू भाई लौंडा, देखो है टच वाल क्या है, ये कुड़ी कारी फसाऊगा पक्का, कोई ना कोई हिमाचल का प्रोग्राम है, हिमाचल कोई ना कोई तो कुड़ी बांधी है, हिमाचल के पुरजे कड़े कट होंगे साला कुत्ता। चलते हैं, उन्हें आना वहां बांदर ने ते ब्लॉग वास्ते कर रहे था, आहो चल तेरे ब्लॉग दे लोग भी देख लेंगे, पहली बार मेरे बिना कच्चे बोल दिया कपड़े आज कच्चे तो बगैर, और मेरा साले अदा मान नहीं करता तैयार होंदा मैं, वो किथे ही कौन वो किथे है कुत्ता बांदर मेरा मुकेश, उन्होंने पूछ रहे जाने के नहीं, मेनू कहंदा भाई चल तुझे दोनों जा आयो, पता नहीं चलते हैं आप चलते हैं भाई। हम लोग पहुंच गए पार्टी में, बड़ी शांति शांति सी लग रही है। नमस्ते जी आया नू, ये लिखा है पंजाबी में वेलकम। हमने जाना है यहाँ पे, या एक तो फ्लैश होना, हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने, ये गोलगप्पे वहाँ बन रहे हैं, वो किए हैं दही बल्ले, उसके साथ में है उधर वो ये है दही बल्ला। ओम नमः शिवाय। तो अभी खाने लगे हैं दोस्तों, एक पीस दे दो, एक का दे दे कट हमारा पापा। ये अभी खाने लगे हैं नूडल्स, टोमेटो, हम लोग अभी कर रहे हैं गेड़ी लगा रहे हैं ये हमारे माशिया जी कुछ चाहते हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा, ये चाहते हैं कि हमें कोक चाहिए, मतलब कोक मिले, पर कोक थी नहीं वहाँ पे एक्चुअली। एक्सक्यूज मी, आई लाइक माउंटेन ड्यू। यू लाइक माउंटेन ड्यू, ओके। तो हम थोड़ी सी गेड़ी लगा रहे हैं, फिर पापा को पिकअप करने चलेंगे, पिक 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 पिक, ये हैं हम। तुम सो क्यों गए हो बेटा,
वैसे आपको रात का सीन दिखाते हैं, रात को कैसे लगता है? क्या करें, जिंदगी सोई पड़ी है यहाँ, तो मेरा सोने से क्या फर्क पड़ता है। सही बात है यार। यार हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरा भाई है, इसको कोई लड़की नहीं मिल रही, प्लीज इसके लिए लड़की ढूंढो, लड़की परमानेंट, परमानेंट परमानेंट चाहिए इसको, परमानेंट जिंदगी लड़की की शादी टाइप, यू नो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? मैं आ गया हूँ अभी घर, खाना वाना खा के, टमी टमी फुल करके, तो अभी सोते हैं, थोड़ा बहुत बिग बॉस देखते हैं। तो जय शंकर, हर हर महादेव सभी को, कीप स्माइल, हंसते रहो हंसाते रहो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। जय शंकर।